गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ज्योति। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम और प्याज की चटनी। तो आप देखो कि हम लोग कैसे बनाते हैं। वैसे तो बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनती है। चलिए देखते हैं हमें चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आइए हम चटनी की तैयारी करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम और प्याज की चटनी। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 प्याज, 1 कच्चा आम, 5-6 लहसुन, 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया और चुटकी भर हींग। सबसे पहले हम लहसुन को थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। एक साथ डालने पर कई बार लहसुन ऐसी की ऐसी रह जाती है और पीस नहीं पाती। सबसे पहले लहसुन को हम पीस लेते हैं। प्याज को रफली काट लेंगे। हमारी प्याज रफली कट चुकी है। प्याज को भी मिक्सी में डाल देंगे। इनको भी हम रफली काट लेंगे। कच्चे आम को भी मिक्सी में डाल देंगे। हमने लहसुन, प्याज और कच्चा आम तीनों ही चीजों को मिक्सी में डाल लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे। और 1 चुटकी हींग डालेंगे। इसमें हरी मिर्च ना डालें, लाल मिर्च का ही यूज करें, क्योंकि प्याज के साथ जब हम हरी मिर्च डालते हैं तो हमारी चटनी थोड़ी कड़वी हो जाती है। इसको हम दरदरा पीस लेंगे। हमारी स्वादिष्ट आम और कच्चे प्याज की चटनी तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप पूरी, रोटी, परांठा या फिर पापड़ किसी भी चीज के साथ शेयर कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। हमारी चटनी देखने में बहुत ही स्वाद और लाजवाब दिख रही है। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कच्चे आम और प्याज की चटनी बनाना कितना इजी है और ये बहुत टेस्टी बनती है। रोटी या परांठे के साथ खाएं, बहुत ही स्वाद लगेगी। और आप इसे ट्राई जरूर करें। ट्राई करके मुझे कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।